आप देख रहे हो एचबीएन न्यूज, जो सच वही खबर। अभी हम खड़े हुए हैं बड़ाली, जहाँ बड़ाली शहर की पुलिस तैनात है और दूसरी तरफ खेड़ुम्मा शहर की पुलिस तैनात है। यहाँ से दोनों साइड की सरहदें आपको शायद दिख रहेगी। हम कैमरामैन से विनती करेंगे आपको जो सरहद है उसमें जो पुलिस अभी खड़ी है तैनात है, सुबह से शाम तक यहाँ पे ही रहती है। आप उसके टेंट भी देख रहे होंगे और यहाँ से हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाएंगे कि कैसे पब्लिक यहाँ पे आती है या नहीं आती। सुनसान सड़क रहता है और किस कारणों से यहाँ से पब्लिक गुजरती है हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ से खेड़ुम्मा शहर की पुलिस भी यहाँ पे तैनात है। कैमरामैन से मैं विनती करूँगा उसके जो अभी यहाँ पे पुलिसकर्मी भी अभी खड़े हुए हैं उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ पे जो पुलिस है वो शहर की सरहद पे भी तैनात रही हुई है। आप देख रहे हैं कि मैं कैमरामैन से विनती करता हूँ कि यहाँ से जो लॉकडाउन के वजह से यहाँ पे जो पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात है खेड़ुम्मा के, उसके भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हो अभी हमारी टीम एसबीएन टीम जो है वहाँ एक गांव में खड़ी है। गांव का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिरसना। हम फिरसना की आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं अभी कि लॉकडाउन का असर गांव में कैसा है और यहाँ के पुलिस प्रशासन कैसी कार्यवाही कर रही है आप देखेंगे। यहाँ पे कैमरामैन को मैं टीवी स्क्रीन पे दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई लोग यहाँ पे थोड़े हमको यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ से आपको सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लोग जो डाउन हुआ है उसका कोई असर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। आप देख रहे हैं यहाँ के चार पांच मानस नहीं, यहाँ पे काफी मानस हिस्सा हुए हैं। अभी हम दूसरे गांव अभी तक पहुँचे हैं। आप एसबीएन टीम जो दूसरे गांव में है यहाँ पे पूरा लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है आप देख रहे हैं। और यहाँ पे जो आप नज़ारा कर रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पे जो दिख रहा है यहाँ पे कोई अभी पब्लिक यहाँ पे जाने वाली नहीं है। जो हम आपको खबरें यहाँ पे दिखा रहे हैं तभी आप देख सकते हैं दूसरे गांव में यहाँ पे कोई पब्लिक यहाँ पे नज़र नहीं आती। पूरा लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है। दो चार बंदा यहाँ पे घूम रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप बने रहे हमारी एसबीएन टीम के साथ। और आप देख रहे अभी हम छोटे से गांव बड़ाली शहर का मैच गांव में खड़े हुए हैं। यहाँ पे पूरा लॉकडाउन की असर आपको सामने दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे कोई लोग घरों में से बाहर नहीं निकलते। आप उसका गांव का पूरा
टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे पूरा लॉकडाउन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई बंदे यहाँ पे घूमते भी नहीं है। आप अभी कैमरा मैन आपको हर गांव की हर खबरें हम दिखाते रहेंगे, आप देखते रहे और हमारे साथ आप जुड़े रहे हमारी टीम के साथ, और आप देख रहे HBN TV न्यूज। आपको बताया यहाँ पे पूरा लॉकडाउन आपको मैथ गांव में दिखाई दे रहा है। हम यहाँ के जो प्रधान है उससे बात करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे जो सरकार ने अभी प्रोवाइड किया हुआ है जो खाने पीने की चीज़ बस्ती है, यहाँ पे जो आप लोगों को कहा से और कैसे कैसे पहुँचाते हो, और हर दुकान यहाँ पे कितनी अभी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई है, और हर गांव में किस तरह से यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कि अभी पूरा लॉकडाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और हम बात करेंगे यहाँ के प्रधान से और उससे पूछेंगे क्या अभी कौन सी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की है अभी, और हम सीधा उससे ही बात करते हैं। सर जी, आपका नाम? जेतावत कल्पेंद्र सिद्दीक विजय सर। यहाँ पे आपका हुद्दा कौन सा है? डेप्यूटी सरपंच। अच्छा, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने अभी जो प्रोवाइड किया है हर गांव में हर घर पे जाके जो चीज वस्ती आपको मिलनी चाहिए खाने पीने की, वो सरकार ने अभी प्रोवाइड की है? सरकारे गामनी बे दुकान ने पहले थी कीधेलू छे भाई तमारे घेर घेर सामान पहोंचाड़वानो, બરાબર, એટલે અમારા બે જે માણસો છે મૂકેલા છે એ ઘેર ઘેરે ડોર ટુ ડોર પાર્ટીઓને ફોન આવે કે માલ પહોંચાડો, એટલે એ માલ પેક કરી અને પાર્ટીઓને પહોંચાડવા સુધીની વ્યવસ્થા કરી છે, જેમાં દૂધ શાકભાજી છે, કરિયાણું છે, જીવન જરૂરી જે વસ્તુ હોય એ ઘેર બેઠા પહોંચાડવાની કોશિશ કરીએ છીએ। બાકી બધા ગામ લોકોનો બી સપોર્ટ છે કે ભાઈ 99% પબ્લિક બહાર નીકળતી નથી, એમને જરૂર હોય ત્યાં ખેતીને લક્ષી કોઈ કામ હોય કે પશુપાલન લક્ષી કામ હોય ત્યાં એ સમયગાળામાં બહાર નીકળી અને કામ પતાવી દે છે, બાકી બાકીના સમયમાં અંદર જ રહે છે। અચ્છા, ઓર સુબહ કે દિન પે આપ જો યહાં પે જો આપકી દૂધ ડેરી હે વહાં પે લોગ કેસે ખડે હોતે હૈ? સવારે દૂધના ટાઈમે સેક્રેટરી અને ચેરમેને વોર્નિંગ આપી દીધી છે કે ભાઈ 5-6 માણસથી વધારે માણસો ભેગા ના થવા જોઈએ, અને 2 મીટરનું ડિસ્ટન્સ રાખેલું છે, ત્યાં રાઉન્ડ સર્કલ બનાવેલું છે, સર્કલની અંદર 5 માણસ ઊભા રહે, એક માણસ દૂધ ભરાઈને બહાર નીકળે પછી બીજો માણસ અંદર જાય, એ રીતે કે અફરાતફરી ના થાય અને કોઈ ગીચતા ના દેખાય એના માટે સારી સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાઈ છે। यहाँ पे आप देख रहे हो कोरोना से लेके यहाँ पे जो अभी प्रधान खड़े हैं उन्होंने हमको हमारी चैनल को बताया है कि यहाँ से पूरी तकेदारी से काम किया जा रहा है, और हर गांव में ऐसा जो लॉकडाउन की असर पूरे गांव में दिखाई दे रही है, ऐसा ही हर गांव में जो लॉकडाउन की असर दिखने लगे तो शक्य है कि हम या कोरोना से हम राष्ट्रवाद से हम जीत सकते हैं। गांव में अभी खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ से लॉकडाउन का पूरा असर आपको दिखाई दे रहा है, और आप कैमरामैन से मैं बात करूंगा आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं छोटा सा गांव है, यहाँ पे पूरा लॉकडाउन का अभी नज़ारा आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे पूरे घरों में अभी घर बंद है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बाहर खेल रहे हैं, और गांव में अभी सारा छोटे से गांव में हम आपको पूरी तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो छोटी छोटी दुकान है यहाँ पे पूरा शटर बंद है, और लॉकडाउन का पूरी तरह से यहाँ से पालन हो रहा है, सारे घरों के दरवाजे बंद है, और आप देख रहे हैं अभी जो यहाँ के हर पब्लिक शांत घरों में बैठी हुई है, और लॉकडाउन का पूरा नज़ारा यहाँ पे आप पूरी तरह से आप नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ पे पूरे घरों पे अभी ताला लगा हुआ है, सारे घरों में यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग अभी जो गाय भैंस आपको दिखाई दे रही है उसका आलन पालन करते हुए नज़र आ रहे होंगे, बाकी यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे घरों में ही है। लॉकडाउन का पूरा नज़ारा यहाँ पे मिलने को आपको देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे जो दुकानें हैं दुकानें भी पूरी तरह से बंद दिख रही है।
हमारे साथ जुड़े रहे SBN न्यूज की टीम के साथ और पूरे दिन आप समाचारों के आंकड़े में देख रहे हैं जो SBN न्यूज आपको दिखा दे रही है। और हर गांव की हर खबरें, हर प्रधानों से बात करेंगे। और जो अभी हम आपको दूसरे गांवों की तस्वीरें भी यहां पे आपको दिखाई दे रही होगी और सारे राष्ट्रवाद के नाम से यहां पे जो राष्ट्रभक्ति आपको दिख रही है, ऐसा गांव का नज़ारा आपने अभी देखा। और हमारे साथ SBN टीम के साथ और SBN न्यूज टीम के साथ जुड़े रहे और हर गांव की खबरें देखते रहे। कैमरामैन सतीश परमार के साथ खराड़ी गोविंद, SBN टीम बड़ाली।